मैं हूँ तृप्ति सक्सेना। कुक बाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्पेशल मूली के पराठे और उसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है आप एक बार देख लीजिए। दो मूली कसी हुई, एक कप बेसन, एक कप रिफाइंड ऑयल, एक छोटी चम्मच जीरा, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर स्वादानुसार, भरवा मसाला एक चम्मच, कसूरी मेथी एक बड़ा चम्मच, आटा तीन कप। ये मैंने आटा लिया हुआ है, 2 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया इसमें, जिससे कि आटा में ये मेरा सॉफ्ट बनेगा डो। और ये मैंने इसी में डाल दिया जीरा, थोड़ा सा मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी, हल्का सा सॉल्ट ऐड करूंगी, थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं इसमें ऐड करूंगी और बाकी मैं मूली में ऐड कर दूंगी। तो अब हम इसे बहुत ही हल्के हल्के हाथों से इस डो को रेडी करेंगे। पहले इन सबको मिला लेंगे अच्छे से, उसके बाद पानी डाल के इसे रेडी कर देंगे। ये हमारा डो रेडी हो गया है और अब हम ये मूली का पेस्ट रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए कढ़ाई। इस कढ़ाई में हम डालेंगे अपना तेल यानी कि ऑयल। तो ये तेल हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें डाल देते हैं मूली। इस मूली का पानी मैंने निचोड़ दिया है, आप भी निचोड़ लीजिएगा। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे ये जो मैंने भरवा मसाला बनाया हुआ है घर में रेडी किया हुआ, इसको डाल देंगे। ये मसाला बनाना बहुत आसान है। ये मैंने कसूरी मेथी डाल दी है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक हम बाद में डालेंगे, पहले इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको भूनने के बाद इसमें स्पेशल चीज जो मुझे डालनी है वो है बेसन। ये मेरा भून रहा है और अब मैं इसमें डाल दूंगी बेसन। तो ये मैं बेसन ये मैंने डाल दिया है पूरा 1 कप यानी कि 2 बड़े चम्मच, इसे मैं मिला दूंगी। बेसन डालने से क्या होगा कि इसका जितना भी पानी है वो सूख जाएगा मूली का, और भरने में आसानी रहेगी और खाने में भी थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट थोड़ा कम ही रखिएगा क्योंकि आटे में भी आपने मैश किया हुआ है, तो अपने अनुसार आप सॉल्ट डालेंगे। तो ये मैंने सॉल्ट डाल दिया है और अब हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब हम अपनी गैस को बंद कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम आटे में फिलिंग करेंगे। और अब हम इस पराठे को इस तरीके से तवे में डाल देंगे और दोनों तरफ से घी लगा के इसको हम सेकेंगे। सिक गया है, ये देखिए चिकत्ते से आ गए हैं। और अब हम इसमें ऑयल लगा देंगे, उसके बाद अब हम इधर से भी सेक लेंगे इसे। तो इधर भी ऑयल लगा देंगे हम, और इसको हल्के हल्के से ऐसे दबाएंगे और फिर से फ्लिप कर देंगे, ये देखिए। और अब हम इसे रख के काट लेंगे। तो अब हम इसे आधा कर देते हैं और अब हम इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। थोड़ा सा बटर रख देते हैं
और ये मैं बटर रख देती हूँ इस तरीके से। थोड़ी सी सॉस है और इसको भी मैं इस तरीके से करती है मैंने। आपका ये मूली का पराठा रेडी है। अगर आपको हमारा बनाया हुआ ये मूली का पराठा पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नया लेकर। टिल देन बाय।